मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। देखिए, चुनाव हारना और जितना लगा रहता है, लेकिन अभी हम 23 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बैठक रखा गया है, समीक्षा बैठक हम लोग करेंगे। समीक्षा बैठक में उछंग के आएंगे कि हम लोग का हार का क्या कारण हुआ, तब उसमें हम लोग जवाब दे पाएंगे कि हम लोग क्यों हारे। के बहुत बड़ी कारण है और कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे गठबंधन था, गठबंधन में हमको लगा कि मिस अंडरस्टैंडिंग है और गठबंधन का पूरी तरह साथ नहीं मिलना, हमको जहां तक लगता है कि गठबंधन का पूरी तरह साथ नहीं मिलना चुनाव का मेन कारण है कि जो हमारे गठबंधन के साथी थे हमारे साथ पूरी तरह नहीं आए। अगर आए होते तो हम चुनाव नहीं हारते, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय जनता दल का बहुत बड़ा जनाधार है वहाँ, और राष्ट्रीय जनता दल वहाँ कमज़ोर नहीं है, आज भी कमज़ोर नहीं है। चुनाव हार गए अलग बात है, लेकिन हम आज भी कमज़ोर वहाँ नहीं। राष्ट्रीय जनता दल को 4.5 लाख से ऊपर वोट आई है, लेकिन उनको 7 लाख कैसे वोट आया उस पर हम समीक्षा करें। देखिए, मुझे लगता है कौन से आरजेडी के नेता ने ऐसा बयान दिया है, दुर्भाग्यजनक है। थोड़ा सोच समझ कर और हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे गठबंधन के साथी हैं तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, बहुत परिपक्व नेता हैं। मुझे लगता है उनकी बात अगर कुछ आती, बयान आते, तो इसको तवज्जो दिया जाता या गंभीरता से लिया जाता। इस तरह की बातें करने से गठबंधन में दरार पैदा होती है, और मुझे नहीं लगता अगर हम दोषारोपण करें, एक दूसरे पर आरोप लगाएं, तो पलामू में तो एक उम्मीदवार उनका था, बाकी जगह तो गठबंधन के उम्मीदवार थे, तो वहाँ हम आरजेडी को दोष ठहराएं, ये उचित नहीं होगा। इसलिए हार अभी सामने है, लेकिन हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का होगा, और कोई इसमें बेचैन होने वाली बात नहीं है। ये राज्य हमारा है, हमारा रहेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार पुनः बनेगी, आरजेडी का उचित भागीदारी उसमें दिखेगा आपको। लेकिन जो मिथिलेश ठाकुर हैं वहाँ पे भी बढ़त नहीं दिला पाए, जो ममता भुइयां उनकी प्रत्याशी थी वहाँ पर। बढ़त देखिए, बढ़त लोकसभा में अलग विषय होता है, विधानसभा में विषय अलग होता है। इसके एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा दूँ, कोडरमा में जो सांसद प्रत्याशी थी अन्नपूर्णा देवी जी, गांडे विधानसभा में वो 26,000 वोट से लीड कर जाती हैं, और उसी समय विधानसभा की प्रत्याशी हमारी कल्पना सोरेन जी थी, वो 26,000 से ज़्यादा मतों से वो लीड कर गई। तो दोनों का विषय बिल्कुल अलग है। लोकसभा में वहाँ लोगों ने वोट नहीं दिया, उसे स्वीकार करना है और आगे विधानसभा की लड़ाई लड़नी है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।